प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। भीलवाड़ा जिले के अंदर 10 दिन के अंदर एक और पैंथर पिंजरे में हुआ कैद। भीलवाड़ा के करेड़ा वन क्षेत्र में कृष्णा ग्रेनाइट के पास लगातार पैंथर की मूवमेंट नजर आ रही थी। इससे पहले 10 दिन पूर्व इसी जगह पर पिंजरा लगाकर एक पैंथर को वन विभाग ने पकड़ा था। उसके बावजूद दूसरे पैंथर की जब दस्तक हुई तो उसके बाद एक बार फिर से उसी जगह पर पिंजरा लगाया गया। और शनिवार की सुबह जब ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो पैंथर था पिंजरे में कैद। पिछली बार की तरह इस बार भी इस पकड़े गए पैंथर को वन विभाग की टीम अब अजमेर के टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़ने के लिए लेकर रवाना हो गई है। पैंथर की दहशत का आलम यह था कि इस क्षेत्र में पालतू जानवरों को पैंथर लगातार अपना शिकार बना रहा था। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपने खेतों में जाने से कतराने लगे थे। पैंथर की मूवमेंट लगातार नज़र आ रही थी। ऐसी सूरत में वन विभाग के दल ने गंभीरता से इस पर काम किया और उसकी ये मुहिम शनिवार की सुबह उस समय रंग लाई जब पैंथर पिंजरे में कैद हो गया और ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। आज जो बहुत दिनों से लोग परेशान थे, बहुत दिनों से समस्या थी पैंथर की, जो आज उसका निदान मिला है। आज पैंथर माइंस के ऊपर वन विभाग की टीम ने पिंजरा रखवाया, उसके अंदर आ ही गया आखिर में। वो पिंजरा अभी माइंस के ऊपर ही है। वन विभाग की टीम आ रही है, अभी उसको ले जाएंगे। और पहले भी गाजोड़ा गाँव के अंदर वो टीम लेके गई थी, अरावली पर श्रृंखला है उस पर छोड़ के आई, और इसको भी वहीं शायद वहीं ले जाएगी। आज बहुत से लोगों के अंदर दहशत थी, जो आज उसकी दहशत का निदान हुआ। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।